हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आईफोन डीपीआई सेटिंग, और उसके साथ मैं आप लोगों को सेंसिटिविटी और कंट्रोल के बारे में बताऊंगा। और हाँ गाइज, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कन्फर्म करवा दूँगा, इसमें 90% तक एड्स लेगा जबकि 10% बॉडी रिकॉइल करेगा। ये आईफोन डीपीआई इंक्रीज करने का सेटिंग है। तो गाइज, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, सेटिंग को स्टेप बाय स्टेप करना, क्योंकि बाद में फिर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। और हाँ गाइज, अगर आप लोगों के लिए कोई मुश्किल हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो या फेसबुक पेज पर फॉलो करके आप लोग इजीली मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई जल्दी से जल्दी दे दूंगा। और गाइज, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैक्रो की सेटिंग इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ कि iOS 18 में जो है ना मैक्रो वर्क नहीं कर रहा, तो इस वजह से इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलो गाइज, अभी चलते हैं सेटिंग की जानिब। गाइज, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ सबसे पहले सेटिंग में। यहाँ पर सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी में जाऊँगा। यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज, लार्जर टेक्स्ट को आप लोगों ने ऑन करके बिल्कुल लो पर रख देना है। और यहाँ से हम लोग बैक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है ना मोशन में जाएंगे, रिड्यूस मोशन को आप लोगों ने ऑन करना है, और यहाँ पर क्रॉस को भी ऑन करना है, और इसके बाद ऑटो प्ले मिटेड इमेजेस को भी ऑन कर देना है। और यहाँ से हम लोग बैक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर टच में जाएंगे। टच में जाने के बाद यहाँ पर एसेसिटिव टच को आप लोगों ने लाजमी ऑन करना है। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर माउस कीज की जाने, माउस कीज के साथ दोनों ऑप्शन को ऑन कर देना है। इंटिलिटल डिले को बिल्कुल मीडियम पर रख देना है, और मैक्सिमम स्पीड को जो है ना 1 पॉइंट कम करके रख देना है। और यहाँ से हम लोग बैक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है ना हम लोग जाएंगे यूज़ गेम कंट्रोल की जानब। यहाँ पर इसको ऑन किया, ट्रैकिंग सेंसिटिविटी को आप लोगों ने 90% तक रख देना है, और फीडबैक एक्शन को आप लोगों ने ऑन करके टैप पर रख देना है। और इसके अलावा यहाँ पर मूवमेंट में जाएंगे, मूवमेंट को आप लोगों ने बिल्कुल 50% पर रख देना है, जबकि यहाँ से हम लोगों ने बैक किया, सेकेंड्स को 1 सेकेंड पर रख देना है। और इसके बाद हैप्टिक टच में जाते हैं, इसको आप लोगों ने डिफ़ॉल्ट पर रख देना है। और इसके बाद यहाँ पर टच रिकमेंडेशन में जाते हैं, होल्ड ड्यूरेशन को आप लोगों ने ऑन करके 0.10 सेकंड पर रख देना है। स्विप गेस्ट को आप लोगों ने एटेक्स पर रख देना है। और इसके अलावा यहाँ पर इग्नोर रिपीट को जो है ना आप लोगों ने 0.10 सेकंड पर रख देना है। और यूज़ इंटिलिटल लोकेशन को आप लोगों ने 0.15 सेकंड पर रख देना है। तो गाइस, यहाँ सब हम लोग फुल बैक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर स्विच कंट्रोल में जाते हैं, स्विच कंट्रोल में जाने के बाद यहाँ पर स्कैनिंग स्टाइल को आप लोगों ने ऑटो स्कैनिंग पर रख देना है। और स्विच कंट्रोल मोड को जो है ना आप लोगों ने ग्लाइडिंग क्रॉसर पर रख देना है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना ऑटो स्कैनिंग टाइम को 1.50 सेकंड्स पर रख देना है। और यूज़ ऑन फर्स्ट आइटम इसको 0.65 सेकंड्स पर रख देना है। लूप्स को आप लोगों ने 9 पर रख देना है। और मूव रिपीट को जो है ना आप लोगों ने 0.23 पर रख देना है। लॉन्ग प्रेस को भी इसी तरह आप लोगों ने 0.50 सेकंड्स पर रख देना है। और इसके अलावा यहाँ पर टैप बिहेवियर में जाता है, टैप बिहेवियर को आप लोगों ने डिफ़ॉल्ट पर रख देना है। और इसके बाद फोकस आइटम आफ्टर टैप को फास्ट आइटम पर रख देना है। और होल्ड ड्यूरेशन को ऑन करके 0.15 सेकंड्स पर रख देना है, जबकि इग्नोर रिपीट को आप लोगों ने 0.15 पर रख देना है। उसी तरह ऑन करके यहाँ पर मैं दोबारा से इसको सही कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ग्लाइडिंग क्रॉसर में जाएं, ग्लाइडिंग क्रॉसर को आप लोगों ने सिंगल पर रख देना है। ग्लाइडिंग क्रॉसर स्पीड को 116 पर रख देना है। और इसके अलावा यहाँ पर हेड ट्रैकिंग में जाते हैं, हेड ट्रैकिंग में जाने के बाद यहाँ पर इसको ऑन करके आप लोगों ने 100 पर रख देना है। और ट्रैकिंग मोड को जो है ना आप लोगों ने रिलेटिव टू हेड पर रख देना है। और इसके बाद यहाँ पर स्पीच में जाते हैं, स्पीच को आप लोगों ने ऑन कर देना है। और यहाँ से हम लोगों ने बैक किया। इसके बाद क्रॉसर कलर में जाते हैं, क्रॉसर कलर को आप लोगों ने रेड पर रख देना है। और यहाँ से हम लोगों ने बैक किया फुल बैक। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे बिल्कुल लास्ट वाले ऑप्शन की जानब। यहाँ पर जो है ना पर एप सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर फ्री फायर को मैं डिलीट कर देता हूँ आप लोग को समझाने के लिए। यहाँ पर मैं दोबारा सेट कर देता हूँ, इसको दोबारा सेट किया, लार्जर टेक्स्ट पर क्लिक किया, और लार्जर टेक्स्ट को जो है ना आप लोगों ने बिल्कुल लो पर रख देना है। और बटन शेप्स को जो है ना आप लोगों ने ऑन कर देना है। और इसके अलावा यहाँ पर ऑटो प्ले मिटेड इमेजेस को भी ऑन कर देना है। चलो गाइस, अभी चलते हैं गेम की जानब। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ गेम में। यहाँ पर सबसे पहले मैं जाऊँगा सेंसिटिविटी जनरल, आप लोगों ने इसको 173 पर रख देना है। फायर बटन को 50% पर रख देना है। और इसके अलावा डिस्प्ले में जाते हैं, डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर आप लोग ग्राफिक्स को अल्ट्रा या स्मूथ पर रख सकते हो, बस FPS आप लोगों ने हाई पर रख देना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके बाय।